फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के बड़गांव में सुरक्षा बलों ने अब 2 आतंकियों को मार गिराया है। यह आंकड़ा बढ़ गया है। अभी जो खबर थी उसके मुताबिक 1 आतंकी को मार गिराया था, लेकिन और आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। अपडेट यह है कि इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बड़गांव के सुत्सो गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। इसमें 4 जवानों के घायल होने की खबर भी आ रही है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकी जैश ए मोहम्मद के हो सकते हैं। हालांकि अभी इस पर कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी हम साझा नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और तीसरे आतंकी को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। आपको ये भी बता दें कि घाटी में लगातार सर्च ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि ये इनपुट्स थे कि कुछ जगहों पर आतंकी छिपे हुए हैं और कल भी 5 आतंकियों को मार गिराया था। अब 2 आतंकियों को मार दिया गया है, अभी 1 आतंकी छिपा हुआ है। खालिद हुसैन मेरे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। खालिद, और क्या जानकारी? देखिए, अभी इस मुठभेड़ में मुठभेड़ को मार गिराया गया है और अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है वहां पर, क्योंकि फायर फाइट रुक गई है। 2 से 3 मिलिटेंट्स की खबर थी, लेकिन पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक ये फॉरेन मिलिटेंट्स दोनों लग रहे हैं और जैश मोहम्मद से ताल्लुक हो सकता है इनका। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां पर इनको मार दिया गया है वो श्रीनगर, जो कैपिटल है जम्मू कश्मीर का, उसके पहुंच चुके थे और हो सकता था कि कोई बड़ी घटना अंजाम देने के फिराक में थे। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, इन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है और ये एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि शहर के बीच इन्हें घुसने से रोक दिया गया है। क्योंकि शहर में शुभ माहौल जो है चुनाव का है, बड़ी बड़ी रैलीज हो रही है, उसके बीच शायद ये इनपुट था कि ये लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाते इन्हें बॉर्डर पे ही रोक दिया गया श्रीनगर की ओर, वहां पर ही इनको न्यूट्रलाइज किया गया। ये मुठभेड़ जो है 6 बजे शुरू हुई थी और कुछ ही घंटों में इन मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और अब तक कल से अब 6 मिलिटेंट्स को मार दिया गया है। तो लगातार एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चल रहे हैं, सांझे अभियान जगह जगह चलाए जा रहे हैं, चाहे सेंट्रल कश्मीर हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, जहां पर भी सूचना मिलती है वहां कार्रवाई की जा रही है। इसका एक मकसद है कि जो मिलिटेंट्स हैं उनको बैकफुट पे रखा जाए और जो चुनावी माहौल यहां पे है उसमें कोई बाधा न पड़े और चुनावी प्रक्रिया जो है शांतिपूर्वक संपन्न हो। जी, और इसीलिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। शुक्रिया आपका खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे किस तरह से पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अपडेट ये है कि 2 आतंकियों को मार दिया गया है, लेकिन इसमें हमारे जवान भी घायल हुए हैं।